बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। पाक फौज के तर्जमान ने कहा है कि बनू सीटीडी कंपाउंड में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। 7 दहशतगर्दों ने हथियार फेंके और 3 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR की जानिब से जारी अलामिये में कहा गया कि 18 दिसंबर को बनू कैंट के अंदर वाके सीटीडी कम्प्लेक्स में जेर हरासत दहशतगर्द ने ड्यूटी कांस्टेबल को काबू किया और असलहा छीनने के बाद दीगर जेर हरासत 34 साथियों को आजाद करवाया, जिसके बाद तमाम दहशतगर्द बाहर निकले और माल खाने से मजीद असलहा हासिल करके फायरिंग की। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 18 दिसंबर को कंपाउंड पर कब्जे के फौरी बाद एक सीटीडी कांस्टेबल को शहीद किया, जबकि दूसरे को जख्मी किया, जो दौराने इलाज जंबर ना हो सका। जबकि जूनियर कमीशन ऑफिसर को यर्गमाल बनाकर रियासत से अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता फ्राहम करने का मुतालबा किया। फायरिंग की आवाजें सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी कंपाउंड पहुंची, जहां 18 दिसंबर को ही 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जबकि 3 को गिरफ्तार किया गया। अमरीका ने पाकिस्तान के शहर बनू में इंसदादे दहशतगर्दी सीटीडी के मरकज पर काबिज अस्करियत पसंदों पर जोर दिया है कि वो यर्गमालियों को रिहा करें और कब्जा खत्म कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिला बनू के इलाके कैंट में इंसदादे दहशतगर्दी मरकज में मौजूद मुसलिया जंगजूहों ने कुछ पुलिस एहलकारों को 2 दिन से यर्गमाल बना रखा है। कालादम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने अपने एक बयान में कहा कि इसके जंगजुओं ने सिक्योरिटी एहलकारों को यर्गमाल बना रखा है और वो महफूज रास्ता मांग रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक इन शिद्दत पसंदों को इस मरकज में तफ्तीश के लिए लाया गया था, लेकिन उन्होंने पुलिस एहलकारों का असलहा छीन कर इन्हें यर्गमाल बना लिया। नैब तरामीम के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए- आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए गए। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जो रेफरेंस नैब को वापस भेजा उसमें मुलजिमान पर 11 करोड़ का इल्ज़ाम था, जबकि नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ के इल्ज़ाम पर नैब केस बनता है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस मुतलका फोरम को भेजने के अहकाम जारी कर दिए। वाजे रहे कि एहतसाब अदालत के जज असगर अली की मुद्दत मुकम्मल होने पर मोहम्मद बशीर ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे रखा था। हम की एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई के घर मुसल्ला अफराद ने घुसने की कोशिश की। हम न्यूज़ की एंकर पर्सन शिफा यूसुफजई के घर में मुसल्ला अफराद ने घुसने की कोशिश की। मुसल्ला अफराद की तादाद 2 थी। मुसल्ला अफराद ने शिफा यूसुफजई के घर में मौजूद मुलाजमीन को मारा पीटा और धमकाया। मुसल्ला अफराद दरवाज़ा खोलने में नाकामी के बाद वापस चले गए। मुसल्ला अफराद के घर में दाखिले की कोशिश के वाक़े के वक्त शिफा यूसुफजई और उनके अहले खाना घर में मौजूद नहीं थे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि शुमाली कैलिफोर्निया में आने वाले जलजले के बाद
मलबे तले दबकर दो अफराद जांबाक और 12 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अमरीकी जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज कैलिफोर्निया के इलाके हिम्बोल्ट काउंटी से 25 मील दूर था और इसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि 6.5 शिद्दत से आए जलजिले से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों इलाके ताहाल बिजली की सहूलत से महरूम हैं। हिम्बोल्ट काउंटी के दफ्तर का कहना है कि दो अफराद जलजिले के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक हुए और काउंटी में इमरजेंसी की सूरत हाल है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले के बाद 80 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए, जिसके बायस ताहाल लोग खौफ में मुब्तला है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट desitvusa.com।